हाँ जी, राम जी राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आजकल तैयारियां चली हुई जोरों शोरों से मेहमानों के स्वागत के लिए, और बस काम भी साथ साथ में हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, हनी के पापा चले गए, तो हनी के पापा जा रहे हैं अभी हरे घास को। आज आ जाने शायद दीदी, और तो मैं तो बिजी हूँ, मैं तो मतलब बहुत सारा काम है अभी अभी अंदर फाइनल टच देने को। मैंने कहा जब आएंगे तभी जैसे करेंगे, वैसे तो साफ सुथरा है, वैसा ही रखेंगे, बस भगवान करे अब हम ऐसे ही। मैं पता है क्या, मेरा कोई कसूर नहीं है। अब ये लोग ना मतलब रोज नहीं करते साफ सफाई, और घर में तो रोज साफ सफाई करनी पड़ती है। अब मेरे को आप बोलो तो, मेरे को तो जो मेरे को जानते हैं मेरे भाई बहन, उनको पता है कि मेरी कंडीशन क्या रहती है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। फिर पता है मेरी तो कभी कभी ये हालत हो जाती है ना, अगर थाली मुंह के पास पड़ी है ना, इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। अब इतनी शो नहीं होती यार, फ़ोन में थोड़ी नहीं बता सकते, तो कभी कभी ऐसी हो जाती है दिक्कत कि अगर थाली खाना खा के मुँह के पास पड़ी है ना, तो मैं उसको वहीं आधा घंटा लेट ऐसे लेट जाती हूँ, जबकि खाना खाने के बाद लेट रहना चाहिए। मैं वो थाली नहीं उठा सकती, इतनी वो हो जाती हूँ, मजबूर हो जाती हूँ मैं। लेकिन मैं बताती हूँ यार, हमेशा हंसते रहना चाहिए, तकलीफ बहुत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या सामान लेके आई थी। पता है वो थी नहीं, वो चीज़ थी नहीं जो मैं लेके आई ना, और मेरे को पहले से उनका बहुत शौक है और वो चाहिए थी। मैं एक तो मैं कुर्सियाँ लेके आई, मैं बता देती हूँ आपको, 12 कुर्सियाँ करी थी मैंने इकट्ठी, 4 4 8 14 और 6 दूसरे वाली कार, और बच्चों ने सारी तोड़ दी। कुछ बाहर से आए, एक्चुअली वो शायद कच्ची होंगी तो टूट गई, और कुछ बच्चों ने ज़्यादा तोड़ दी, एक धोनी के पापा ने तोड़ी, एक मैंने तोड़ी, तो वो टूटते टूटते बिल्कुल। इस बार मैं बहुत गारंटी वाली कुर्सी लेके आई हूँ, बहुत अच्छी और बहुत पक्की वाली, और साथ में और भी, और गिलास लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे को ना 6 गिलास लेके आई थी पहले भी मैं, वो भी इन्होंने तोड़ के, अब तो मैं बस यूज़ करके रख दिया करूँगी। एक ना मैंने, जब हम नीचे रूम बनेगा आपको नीचे चल के दिखाती हूँ, चलिए आ जाइए यहाँ पे, क्या बकवास करनी बैठ बैठ के जी। तो चलिए अभी आज ना मैंने ये भी 2 पौड़ियाँ भी ये करनी है, और एक चीज़ और बता दूँ आपको ना, बाद में बताती हूँ, रुको। तो ये देखो, ये वाली कुर्सी हम लेके आए, और बहुत बढ़िया सेट है ना, और मैं खाने लगू अभी ये काटने पड़ने हैं ना, हैं हाँ, ये ना तो सूख रहा हूँ। हाँ तो फिलहाल तो हमने इनको यहीं पे लगा दिया है ना, ये देखो देवी तेसा ही तो गला तो सानू के चढ़ाए हो। तो ये देखो इनमें लिखा हुआ है 3 3 ईयर 3 ईयर वारंटी। तो मनो मतलब जिससे जिस लड़के से लाई है ना मैंने, जहाँ से मैं सामान लेके आती हूँ, आपको बताया भी था कल वीडियो में, तो वो बहुत अच्छा सामान, हर तरह का सामान था, सस्ता वाला भी था। तो ये कुर्सी वैसे मतलब 500 की पड़ी है हमारे को, बाकी आप लोग बताना। और ये छोटा सा टेबल है, ये टी टेबल, कॉफ़ी टेबल, कुछ भी बोल लो इसको आप, तो जैसे लेंटर के ऊपर लगा दिया है ना, मेहमान आ गए। अब यहाँ तो मेहमानों का अन्या भी जा रहा है कहीं, और ये हमारी हेल्प कर देगा, है नहीं? ये सची नहीं थे संगा लाई किए सा, इतने मुख तक आया ये पहले किए छीनी थे, इतने नहीं कांडे पहले किए छीनी थे ये 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 ना, ये जो भी पाज जाए भी छीन ना, ये जो भी आए उसे भी जाना था का ये नहीं मारी, दो तीन चल थोड़ा जाए ना, क्या रस्सी या दूजी बार लेटने आने। अच्छा था लाते ही सेज जाते ही। तो अभी अभी इनको इसको बोला, और पता है मैं आप लोगों को चीज़ बताऊँ, मेरा सुबह सुबह ना 18-20 हज़ार का नुकसान हो गया था, पर माता रानी ने सुन ली, देखी जो कॉल इनके ही सेट रहा हाँ ये नहीं है करे काम में, रुको देख कहाँ फेंका हुआ है, ये भी चेक देना आज था थे सारा, और गर्मियों में बहुत, अरे ते पान देखे करता मैं, ये देखो इस यही चढ़ता है हमारे परिवार में एक, ये इसके पापा भी चढ़ते थे, पर अब इनकी जब से टांग में दिक्कत है ना तब से यही चढ़ता है, अब इसका भी वेट ज़्यादा ही हो गया, तो इस हमारे को डर रहता है इसके चढ़ाने का भी। ये काम नहीं करते हो बस, ये बड़ा दुख है ना, ये तो फिर भी ठीक है ना, छीनने के नू दे बड़े बड़े,
और गाय तब से खड़ी है बेचारी हरे घास के वेट में, और आज मैंने धुआं भी नहीं लगाया है। शानू के दांत में बहुत दर्द है कई दिनों से, उसका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं हम लोग। ये सारे डंडे बाणी है नहीं नहीं तूड़ी क्या रोज की थोड़ी ना तूड़ी खड़ी कुछ कुछ पाज ये करना उबे एक अड़वा का खाऊं है ना ये तेरा अरे अरे रो अड़वा का है ये तो मां भी छीन देना पर मैं मां के उबे बहुत काम है तो ये देखो ये छीन रहा है इसको बोलते हैं हम खड़की आपको नजदीक से दिखा देती हूँ देखो इसको बोलते हैं खड़की ये खड़की है ठीक है और यहाँ पे नहीं पापा ने देखो सफाई कर दी है परे तक और इतना बार है हमारा ये देखो कितनी जगह बच गई थी उस टाइम बार और ना नीचे से आना हमारी कोई दो दो फुट जगह एक्स्ट्रा बची है यहाँ पे तो इसको कभी पैसे होंगे अब तो उस टाइम था अभी भी करने का सोर्स वो परे आपको पेड़ दिख रहे हैं ना यहाँ तक हमारा है देखो कितना अंदर तक है तो क्या करना मतलब बुद्धि नहीं थी उस टाइम ना पर अभी भी नीचे से लगना है डंगा मैं ये जो ये वाले नहीं है ये देखो ये वाला जो पाजा नहीं ये हमारा है तो सोचो हमारी कहाँ पे रह गई और जहाँ पे हनी के पापा खड़े यहाँ पे और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये सारी हमारी जगह है। ये जो ये पेड़ है ना ये इस पेड़ के साथ से लगती हुई है हमारी बाउंड्री बहुत जगह रह गई है हमारी तीन बैलेंस बनने थे सीधी एक थोड़ी डाउन ये ना अलग अलग पार्ट बन गए तेरे पहले ये देखो ये होगी जी हमारी कुर्सियाँ और बहुत मजबूत चीज है मैं आप लोगों को बता रही थी फिर मैं परे चली गई थी और ये टेबल ना अलग अलग था हनिया से आपको जोड़ रहा है बता ये देख धंधे में चुप रहा क्या कुर्सियाँ देख हने ना ना ये थोड़ा अलग है ये थोड़ा काट नहीं मैं भी बाहर है साथ थे ना ने उबे सेम ये राड़ा बांका है ये खाना है ना देख क्या देख क्या कर लगी है खाना देख हाय ये यानी ये क्या पता क्या दुआ देनी है ना तर मैं जैसा तू लगा जीना ऐसा ही लगी खाने देख कर की देख सब कुछ ना 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 बेटे ओए किनोरी जाएगा किनोरी ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं और क्या लेके आई थी। मैं कप और गिलास लेके आई थी। अभी यहाँ चादर वगैरह बिछाने को है अतकियों के खिलाफ, बाकी तो हो ही गया, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में फाइनल लुक बता दूंगी कमरों का, ठीक है। बहुत थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मैंने सुबह से पता क्या क्या किया। अगली वीडियो देखना आप शाम के टाइम की। तो ये वाले कप लेके आए मैं जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, अभी निकाले नहीं। ये बहुत कप नहीं थे हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, ठीक है। थोड़े महंगे भी हैं। और ये वाले मैं लेके आई गिलास कांच के पानी वगैरह देने को, ठीक है। ये देखो इस तरह के 6 गिलास हैं। ये पहले लाई थी वो तोड़ दी है मेरे घर वालों ने इनके हाथ में लगनी चाहिए कोई चीज़। तो ये 6 गिलास है ये, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं इनको और इसके नीचे वो दूसरे गिलास है। ये देखो इस तरह के जिस तरह का यहाँ पे ये बना हुआ ना जार जैसा,
कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं मेरे घर में बोलते हो, हाय मम्मी ये तो शराब पीने के लिए आया, आप इन यहाँ कौन पिए? मैंने कहा इन्हीं होते शराब पीने के, इनमें जूस भी पी सकते हैं ना, आप लोग बताना मेरे को क्या ये सच्ची में इनको शराब ही पीते हैं, मैं और नहीं पीता कुछ नहीं, तो ये जूस के लिए मैं अपने लिए लेके आई, कभी शेक बनाते हैं हम, कभी जूस पीना हो तो इनमें बहुत अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे जो सेट है ये एक ही वाला, इसमें कांच के गिलासे 6 और कांच का ही जग है, ठीक है, तो ये लेके आई हूँ मैं, बाकी दूंगी उनको इसमें। और पता है एक चीज़ बताऊँ, अभी सारी चादरें वगैरह निकाल दिए, बाकी तो सारा साफ सफाई हो गई है, बस मेरे को बेडशीट रही है बिछाने को, और तो हमने ऑलमोस्ट कर ही दिया है। और चलो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी मैं आपको अगली वीडियो में, और अब आ जाने दीदी हो रही, शाम तक पहुँच जाने, 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे जी। ये उन्दी नहीं ना, और 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे, और कल एक और दीदी आ रही है हंगरी से, तो चलो मेहमान जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, जितना हो सकता है अच्छे से आओ भक्त करनी चाहिए प्यार प्रेम से, ठीक है, खाने पीने का कोई भूखा नहीं होता, सब अपने घरों में अच्छा अच्छा खाते हैं, ठीक है, फिर ये कि हम दिल से किसी की सेवा करते हैं, दिल से किसी का वो करते हैं, क्योंकि मेहमान, मैंने कहा ना कि मेहमान जो होते हैं वो अतिथि देवो भव, हमारे तो यहाँ हिमाचल में ये कहावत है, हिमाचल में क्या सारे ये कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो है भगवान का देवता का स्वरूप होते हैं। तो इसी के साथ जय माता दी, राम राम।